नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा कर के देख लीजिएगा। उसमें हमने एक एक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। उद्योगों में मशीनों का प्रयोग नगण्य होता है। चटाई बनाना, रस्सी बनाना, टोकरी बनाना, हाथ से चावल की कुटाई, हाथ कागज, सूत कातना, नारियल उद्योग, चर्म शोधन, तेल घानी, अनाज प्रशोधन, पापड़ बड़ी आदि बनाना, लकड़ी की नक्काशी, मिट्टी के बर्तन, कसीदाकारी, कालीन, खिलौने बनाना, रेशम कीट पालन, लोहे का काम आदि सभी श्रेणी में आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का स्थान प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। मुख्यतः वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, हाथी दांत का काम आदि उद्योगों में भारत की ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई थी। यह उन्नति ब्रिटिश काल के आने तक चलती रही, किंतु ब्रिटिश शासकों ने जो नीति अपनाई, उससे भारतीय कुटीर उद्योगों का ह्रास हुआ। योजना आयोग के अनुसार लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। उद्योगों में मशीनों का प्रयोग नगण्य होता है। चटाई बनाना, रस्सी बनाना, टोकरी बनाना, हाथ से चावल की कुटाई, हाथ कागज, सूत कातना, नारियल उद्योग, चर्म शोधन, तेल घानी, अनाज प्रशोधन, पापड़ बड़ी आदि बनाना, लकड़ी की नक्काशी, मिट्टी के बर्तन, कसीदाकारी, कालीन खिलौने बनाना, रेशम कीट पालन, लोहे का काम आदि सभी श्रेणी में आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का स्थान प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। मुख्यतः वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, हाथी दांत का काम आदि उद्योगों में भारत की ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई थी। यह उन्नति ब्रिटिश काल के आने तक चलती रही, किंतु ब्रिटिश शासकों ने जो नीति अपनाई, उससे भारतीय कुटीर उद्योगों का ह्रास हुआ। योजना आयोग के अनुसार लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। स्टॉप।
दोस्तों इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। उद्योगों में मशीनों का प्रयोग नगण्य होता है। चटाई बनाना, रस्सी बनाना, टोकरी बनाना, हाथ से चावल की कुटाई, हाथ कागज, सूत कातना, नारियल उद्योग, चर्म शोधन, तेल घानी, अनाज प्रशोधन, पापड़ बड़ी आदि बनाना, लकड़ी की नक्काशी, मिट्टी के बर्तन, कसीदाकारी, कालीन खिलौने बनाना, रेशम कीट पालन, लोहे का काम आदि सभी श्रेणी में आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का स्थान प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। मुख्यतः वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, हाथी दांत का काम आदि उद्योगों में भारत की ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई थी। यह उन्नति ब्रिटिश काल के आने तक चलती रही, किंतु ब्रिटिश शासकों ने जो नीति अपनाई उससे भारतीय कुटीर उद्योगों का ह्रास हुआ। योजना आयोग के अनुसार लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। स्टॉप।